गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ जनरल इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट को रीड करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है ओ लाइट। ये लिखा है सुब्रमण्या भारती ने, जो कि आपके क्लास नाइन्थ फर्स्ट चैप्टर ओ लाइट रिटर्न बाय सुब्रमण्या भारती, जो कि इस पोएम के पोएट हैं। अब इसमें आपको बता दें थोड़ा सा पोएम शुरू करने से पहले कि इसमें पोएट ने क्या कहा है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस पोएम में जो सुब्रमण्या भारती हैं, इन्होंने इस पोएम में कहा है लाइट, लाइट इन्होंने यहाँ प्रकाश यानी कि सनलाइट को यहाँ इन्होंने संबोधित किया है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर इसमें एक विशेषता ये है पोएम में कि वो खुद ही क्वेश्चंस करते हैं और खुद ही वो आंसर भी देते हैं। जैसे लाइन, एक लाइन में उन्होंने क्वेश्चन किया, सेकंड में उन्होंने उसका आंसर भी दिया। तो सुब्रमण्या भारती द्वारा लिखी हुई पोयम ओ लाइट है, जो कि इसमें प्रकाश को संबोधित किया गया है, इसमें वो उससे क्वेश्चन करते हैं और आंसर भी खुद ही देते हैं। तो आइए पोयम शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है ओ लाइट हु आर यू। तो इसमें जो पोएट है वो कहते हैं, पूछते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया कि इस पोयम में वो क्वेश्चन करते हैं और आंसर भी देते हैं। तो पहले वो क्वेश्चन करते हैं ओ लाइट हु आर यू, वो पूछते हैं लाइट तुम कौन हो, हु आर यू मींस तुम कौन हो। डॉटर ऑफ द सन, वो पूछते हैं क्या तुम सन की बेटी हो। तो ये पहली लाइन में उन्होंने क्वेश्चन किया है ओ लाइट हु आर यू, लाइट तुम कौन हो, डॉटर ऑफ द सन, सन की बेटी हो। थर्ड लाइन में, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि वो आंसर भी देते हैं, थर्ड लाइन में उन्होंने आंसर भी स्वयं दिया है। देखिए, नो यू आर द सन्स लाइफ हिज सोल, नो, अब उन्होंने आंसर देते हुए कहा है नहीं, आप कौन हो, आप सन का जीवन हो, लाइफ हो, उसकी आत्मा हो। सोल मीन्स होता है आत्मा। तो उन्होंने यहां पर पहली लाइनों में क्वेश्चन किया, सेकंड में आंसर भी स्वयं दिया। तो उन्होंने कहा नो यू आर द सन्स लाइफ, नहीं तुम सन का जीवन हो, उसकी आत्मा हो। नेक्स्ट, बी प्रेज यू इन द सन, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो बी माने यहां हम प्रशंसा करते हैं किसकी, यू यहां पर यूज हुआ है ओ लाइट के लिए। तो जो पोएट है वो यू यहां पर लाइट के लिए बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं बी प्रेज यू इन द सन, हम तुम्हारी तारीफ सन में करते हैं, किसकी, प्रकाश की, क्योंकि प्रकाश के बिना सन का कोई मतलब ही नहीं है। सन अपने प्रकाश से जाना जाता है, सूरज अपनी लाइट से जाना जाता है, प्रकाश से जाना जाता है। जब उसमें प्रकाश ही नहीं होगा तो वह सूरज क्या, अपन कहेंगे सूरज दिख रहा है। जब हमें प्रकाश दिखता है तभी तो हम कहते हैं कि सूरज निकल आया है, सूरज दिख रहा है। तो ऐसे ही ने कहा है हम इसकी प्रशंसा, किसकी, लाइट की प्रशंसा सन में करते हैं। नेक्स्ट लाइन, द सन इज द बॉडी, अब उन्होंने क्या कहा है, सन क्या है, बॉडी मींस शरीर है। यू आर इट्स लाइफ स्पार्क, लाइफ स्पार्क माने होता है एक जीवन ज्योति, यहां पर या एक कहते हैं चिंगारी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि द सन इज द बॉडी, किस, ये लाइट से बोलते हैं, सन क्या है, शरीर है। एंड यू आर इट्स लाइफ स्पार्क, आप उसके जीवन की चिंगारी हो या उसकी जीवन ज्योति हो। तो इन्होंने क्या कहा है, इसको सन को बॉडी कहा है और इसको लाइट को इसकी जीवन ज्योति कहा है। नेक्स्ट लाइन, व्हेन वर यू बॉर्न, व्हेन वर यू बॉर्न ओ लाइट। अब पहले क्वेश्चन उन्होंने किया हु आर यू, फिर उसके आंसर्स भी स्वयं दिए। अब नेक्स्ट लाइन में पूछते हैं कि आपका जन्म कब हुआ था, ओ लाइट पूछते हैं उससे वो, हु मेड यू, आपको किसने बनाया। पहले दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा आपका जन्म कब हुआ लाइट, और आपको किसने बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा ओ लाइट व्हाट आर यू, यहां उन्होंने पूछा हु मेड यू, किसने बनाया, आप कौन हो, आप क्या हो। व्हाट इज योर नेचर, नेचर जो होता है प्रकृति, या इसको बोलते हैं स्वभाव। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, आप क्या हो, और आपकी प्रकृति क्या है, व्हाट इज योर नेचर, आपका स्वभाव क्या है।
इसके बाद उन्होंने कहा आर यू विजडम, अब उन्होंने ये पूछते हैं आर यू विजडम डॉटर, विजडम मन होता है बुद्धि, विजडम मीन्स बुद्धि, क्या आप बुद्धि की डॉटर हो, बट विजडम स्लीप्स। अब उन्होंने यहां पे एक बात पूछी कि क्या तुम विजडम की डॉटर हो, उन्होंने आगे कहा लेकिन विजडम सोती है, सोती है मतलब बुद्धि सोती नहीं है, बुद्धि अपने दिमाग में अंदर होती है यानी कि वो दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट वन परहैप्स यू आर इट्स क्लैरिटी, परहैप्स यू आर इट्स क्लैरिटी, तो उन्होंने कहा शायद तुम उसकी शुद्धता हो, शुद्धता माने उसकी स्पष्टता हो, तो इसको बोलेंगे अपन स्पष्टता या शुद्धता। तो उन्होंने क्या कहा शायद, यू माने वही लाइट, वो लाइट शायद तुम उसकी किसकी सन की क्लैरिटी हो, उसकी स्पष्टता हो, उसकी शुद्धता हो, तो यहां पर उन्होंने उसका आंसर भी दे दिया, यहां क्वेश्चंस किए यहां आंसर भी उन्होंने खुद ही दिया। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं परहैप्स यू आर द फॉर्म ऑफ नॉलेज, शायद परहैप्स मीन्स शायद, शायद तुम एक प्रकार हो किस चीज का नॉलेज, तो यहां उन्होंने लाइट को कंपेयर भी किया है नॉलेज से, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, तो यहां उन्होंने नॉलेज से किसको लाइट को कंपेयर भी किया है, लाइट मीन्स प्रकाश, प्रकाश में सन के प्रकाश से बात हुई है लेकिन उन्होंने प्रकाश का कंपैरिजन नॉलेज से भी किया है, तो लास्ट लाइन यहां लाइन में कहा है परहैप्स यू आर द फॉर्म ऑफ नॉलेज, शायद तुम एक नॉलेज का प्रकार हो। अब आगे की लाइनें देखते हैं अपन, आगे की लाइन में लिखा है ओ लाइट फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू befriended the sky। अब नेक्स्ट लाइन में वो पूछते हैं, नेक्स्ट लाइन में वो पूछते हैं ओ लाइट फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग माने कितने समय तक, हैव यू befriended, यू मीन्स वो लाइट, आप कितने समय तक, बहुत समय से, befriended माने दोस्त है आप उसके, किसके स्काई के, इट मीन जब सूर्य आकाश में चमकता है तो प्रकाश भी आसमान में दिखाई देता है, इसे ऐसे ही इन्होंने कहा है आप आसमान के कब से बहुत टाइम से अच्छे दोस्त हो, एंड वेयर फोर दिस लव ऑफ इट, इसी कारण आपका उनसे प्रेम है, किससे स्काई से, क्योंकि लाइट का सन का स्काई से प्रेम होता है। हाउ डू यू कंप्लीटली मर्ज इन इट, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया है हाउ डू यू कंप्लीटली मर्ज इन इट, कैसे आप पूरी तरह से इसमें मिल जाते हो, पूरी तरह से इसमें आप मिक्स हो जाते हो, मर्ज में होता है मिलना या विलय होना, यानी कि पूरा घुल मिल जाना बोलते ना अपन लोग, वही चीज है इसमें कि आप किस तरीके से कंप्लीटली उसमें मिल जाते हो। लाइट से पूछते हैं वो कि आप सूर्य में सन में किस तरीके से कंप्लीटली पूर्ण रूप से आप मर्ज हो जाते हो, पूरी तरह से मिल जाते हो। नेक्स्ट सी हू मेड यू ऑल इन अ मैजिशियन, मैजिशियन सी यहां पर यूज किया है उन्होंने नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, सी हु मेड यू, जो प्रकृति ने नेचर ने आपको बनाया है, ऑल इन मैजिशियन, वो क्या है एक जादूगरनी है, एक जादूगर है, तो इस लाइन को फिर से देखिए, उन्होंने कहा है सी हु मेड यू, वो जिसने आपको बनाया है, यू ऑल इज अ मैजिशियन, वो क्या है एक मैजिशियन है, सी यहां पर उन्होंने नेचर के लिए यूज किया है, प्रकृति के लिए यूज किया है। सी वही सेम चीज है, सी यहां उन्होंने एक नेचर के लिए बोला है, क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स हैं, सन है, लाइट है, सनलाइट है, तो ये सारी नेचर ने ही बनाई हैं, इसलिए उन्होंने इससे कहा है कि आप एक मैजिशियन हो, जादूगर हो, मैजिशियन मीन्स जादूगर, आपको पता होगा। सी इज अ एंचेंटर, सी इज अ एंचेंटर, एंचेंटर माना भी होता है जादूगर, मैजिशियन, ठीक है, यहां एंचेंटर एक बोलते हैं, एक आकर्षित करने वाले को भी बोलते हैं, कि क्या हो आप एंचेंटर हो, द बीविचर, बीविचर का मतलब भी जादूगर ही होता है, तो इन तीनों का मतलब जादूगर होता है, तो उन्होंने कहा कि आप एक जादूगर हो जिसने ये लाइट और सन को बनाया है। नेक्स्ट बी प्रेज हर, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, किसकी, सी की, नेचर की, प्रकृति की, जिसने की सन और सनलाइट को बनाया है, तो उन्होंने कहा है वी प्रेज हर, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, प्रॉस्पर ओ लाइट, प्रॉस्पर शब्द का मतलब है एक सक्सेसफुल, यानी कि सफल, सक्सेसफुल, प्रॉस्पर माने सक्सेसफुल, समृद्ध, इसको आप बोल सकते हैं समृद्ध,
यानी कि पूर्ण तरह से सक्सेसफुल समृद्ध होता है उसको बोलते हैं प्रॉस्पर। तो उन्होंने कहा है बी प्रेज, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, प्रॉस्पर और लाइट, समृद्धशाली सक्सेसफुल लाइट। तो ओवरऑल इस पोयम में जो सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है ओ लाइट, चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर 1st है, लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत महान कवि हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और अपने कैरियर में बहुत आगे तक ये गए हैं। तो इन्होंने, ये तमिल के थे, इनका भी शायद आपको थोड़ा सा जानकारी हो, नहीं हो तो आप इन, ये तमिल के एक पोइट हैं, बहुत महान पोएट थे ये, इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं। तो इस पोएम में ओवरऑल उन्होंने लाइट से क्वेश्चंस किए हैं, सनलाइट से, और अपने क्वेश्चन भी किए हैं और आंसर भी स्वयं दिए हैं कि लाइट क्या है, कहाँ से आई है, कैसे आती है। तो इसमें इसको नेचर को भी उन्होंने प्रायोरिटी दी है, यानी कि नेचर के बारे में भी बताया है कि नेचर ही ने ही ये सब चीजें बनाई हैं। आप चाहे सन हो चाहे सनलाइट हो, आपको पता है। तो उन्होंने कहाँ से आई है, किसने बनाया, किसकी बेटी हो, कहाँ से जन्म हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें इन्होंने किए हैं और स्वयं आंसर भी इसके दिए हैं। आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप इसको पढ़िए और इसको बुक से आप रीड कीजिए, जो भी आपका वर्ड है वैसे मैंने बता दिए हैं। अगर नहीं आए तो आप अंडरलाइन करके उसके वर्ड मीनिंग जो नीचे दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन हो आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे जरूर करें। थैंक यू।